तक सत्य है कि इसका आयांश भी नाम अभी जो है कि रखे गए आपके नाम पे डाउट अभी नाम एकदम हम श्योर है। निहारिका सिंह हो गई है तो सारे के सारे निहारिका सिंह हो गई है। क्या मतलब निहारिका सिंह से? उसका ओरिजिनल नाम जो है कि निहारिका सिंह है, निहारिका रानी है। देख कोई बीमारी नहीं है, ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल। आपको मतलब क्या लगता है कि बच्चा बीमार नहीं है? बच्चा देखिए बच्चा बीमार है, दूसरा बीमारी है SMA टाइप 1 बीमारी। इसके हमारे पास दवा के साथ 100% है, इसको नहीं है। और ये लोग ठगी का उपाय भी हम बता देते हैं कहाँ से सीखा है। लोग आयाम से नाम जो रखा, नाम भी फर्जी है। नाम दाखिल होगा तुरंत जो है कि मांग होगा, हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगा। इन लोग का सारा जो है कि काला चिट्ठा खोला जाएगा, सब सच जो है जनता के बीच आ जाएगा। होगा एक 9 महीने का बच्चा जो SMA टाइप 1 से पीड़ित है और उसके नाम पे बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए गए। उस कलेक्शन के दौरान एक चेहरा उभर के आता है जो मेरे बगल में बैठे हैं बाएं साइड में, नाम होगा कौशल यादव। इनसे बात करेंगे, इन्होंने दवा किया है, दवा ही नहीं इन्होंने FIR करने का निर्णय भी लिया या कर दिया आवेदन ये दे चुके हैं। इनके साथ मैं बैठा हूँ, ये इस पे चर्चा होगी कि इनको क्या पर्सनली कोई ईगो है या ये लोग फ्रॉडिंग कर रहे हैं उस पे इनको प्रॉब्लम है। आपको कैसा लगता है कि ये सारा चीज फ्रॉडिंग है? सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये मामला है आयांश वाला, इन लोगों का जो है व्यक्तिगत कोई हमको दिक्कत नहीं, जनप्रतिनिधि होने के कारण। कौन से जनप्रतिनिधि हैं अभी आप? कौन सी पोस्ट पर? MLC चुनाव के इस पर जो है कि प्रत्याशी है, गोपालगंज से MLC चुनाव में है और जनसंपर्क यात्रा के दौरान ही आपसे मुलाकात किया है। जी। और आयांश वाला जितना मामला है इस पे जो है हर तरह से इसका जो है कि बहुत बड़ा स्कैम है। आपको कैसा लगता है कि ये स्कैम है? इसमें कोई आपको कैसा लगता है, मतलब कोई एविडेंस है आपके पास, सबूत है कोई? एविडेंस जो है कि बिना एविडेंस का जो है कि हम इसे आवेदन नहीं दिए। अच्छा एविडेंस है आपके पास? एविडेंस बहुत प्रकार के है हमारे पास, उसका जो है मेडिकल रिपोर्ट निभास का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे कहीं का भी हो। सभी जगह पे आप कांटेक्ट किए हैं? हाँ सब जगह जो है कि सब कोई SMA टाइप 1 बीमारी नहीं है इसकी। एक आपको प्रकरण मालूम होगा 6-7 महीना पहले जो KBC में जो दिखाया गया था, अमिताभ बच्चन फरार था, कैसा ही आयांश के नाम। हमको तो जहाँ तक सत्य है कि इसका आयांश भी नाम अभी जो है कि रखे गए आपके नाम पे डाउट अभी नाम एकदम हम श्योर है। जन्मतिथि देखना पड़ेगा ना? जन्मतिथि उसका अकाउंट डिटेल सब कुछ हम निकलवाए गए हैं। अभी उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो अकाउंट नंबर में था 1.80 करोड़ रुपया। आपको कैसा लगता है कि वो बच्चे को बीमारी नहीं? उसका जो है एक पत्रकार है वहाँ पर विकास राजनाथ को, विकास राज एक्सपोज बिहार, एक्सपोज बिहार का पत्रकार तो खुद जो है कि अपने पैसे से भी महास गया जनता को सच दिखाने के लिए। वहाँ पे जो है जा करके उसने जब कॉल किया उसके मम्मी का, आयांश का जो मम्मी है नेहा सिंह, अब निहारिका सिंह हो गई है तो सारे के सारे। निहारिका सिंह हो गई है? क्या मतलब निहारिका सिंह से? उसका ओरिजिनल नाम जो है कि निहारिका सिंह है, निहारिका रानी है। देखिए अभी मैं आपको बीच में रुकना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास कॉल आया था, मेरे पास वीडियो भी है आयांश वाले मामले में। सबसे पहले मेरे पास कॉल आया था एक लड़की का जो कि रांची से बोली थी, जिसका नाम सोनीता है। उसने मुझे आलिया नाम बताया। आलिया नाम बताने के बाद वो पहले ही मुझे बोली थी कि ये सारे लोग फ्रॉड है। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल आए, आयांश की मम्मी कॉल की, इमोशनली किया लो, तो हम लोग वीडियो डिलीट कर दिए। वीडियो हमारा 2 घंटा में 20,000 देखा था लोग, मैंने उसको वीडियो को डिलीट कर दिया। मुझे भी दया आ गया, अभी शुरुआत था, अभी कोई एक्सपोज बिहार कोई नहीं उसको देखा था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे कॉल आता है एक जनमानुष न्यूज, वहाँ बैठे हैं ये क्या नाम है, उसने मुझे धमकी देने लगा, मेरा चैनल बंद करने की कोशिश की गई, मेरे चैनल पर रिपोर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन है इसलिए हमारा चैनल बंद नहीं हुआ। सारा प्रूफ है मेरे पास, आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद ये सारा चीज़ धीरे धीरे खुल के आने लगता है। तो आप बोल रहे हैं कि उनका नाम कुछ अलग है, तो आपको मतलब कोई एविडेंस है कि उनका नाम कुछ अलग है, नेहा सिंह नहीं है? उसका एविडेंस है हमारे पास, उसका जो है कार का जो नंबर है उसका भी रजिस्ट्रेशन चेक कराए हम,
उसमें जो है कि उसी के नाम से है, निहारिका रानी के नाम से है, और बाद में जो है कि खुद स्वीकार भी की है बात किए तो हाँ कि हाँ निहारिका रानी नाम है। तब बताइए आपको पता चला कि आलिया भी नाम है? आलिया उनका नाम नहीं है, उनकी आंटी का नाम है जो अजीत सिंह यानी आलोक सिंह की आंटी है, वो बता रही थी कि ये सारे लोग फ्रॉड है, वो मुझे बता रही थी। मैं बोला आपके पास कोई प्रूफ है तो उसने मुझे रांची बुलाया, उसका नंबर भी है मेरे पास, सब कुछ मैं डाला हूँ अपने पेज पे। वही बात है, ये लोग जब नाम चेंज करके रखता है, ये लोग पहले भी फ्रॉडिंग कर चुका है, उसका भी आपको जो है कि मीडिया में बयान आया होगा 3-4 वर्ष का, ऐसे ऐसे जो है कि लोग हजारों लोगों को ठगी किया है, सारा जो है कि स्कैम जनता के भावनाओं के साथ खेलते ये लोग ठगी कर रहा है। जब आपको ये सब चीज लगा तो आपने भी उसमें फंडिंग कराया? हमारे भी माध्यम से उसमें 11,000 रुपया दिलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है कि इस स्कैम का जो है पर्दाफाश हुआ, सब बढ़ते गया, और मैं सबसे पहले उसको जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसको बिहार का वो लड़का ने जो है जाके निहास नहीं पहुँचा, उसको फोन भी किया गया उसके मम्मी को कि आप मेरे को मेल कर दीजिए ताकि जो है हम तो यहाँ से रिपोर्ट दे दी गई, क्योंकि निमास वाले बोले कि बिना गार्जियन के कोई दे नहीं सकता है, ये जो है तो उसके बाद से जो है कि ईमेल की नहीं, और सारा जो है रिपोर्ट पता किया उसका जो है कि निमास का सर्टिफिकेट भी फर्जी है। ये लोग इम्पैक्ट गुरु में भी कॉन्टेक्ट किया था, तो इम्पैक्ट गुरु जो है कि लोगों को फंडिंग करता है, इलाज कराता है, वो भी जो है कि इम्पैक्ट गुरु खुद के खाते में जो है कि पैसा मंगाता है उसके कमीशन होता है। हाँ, वो अपना जो है कि 16 करोड़ शुल्क पे वो अपना लड़का को इंजेक्शन दिलवा देता है, उसमें कहीं घपला की कोई बात नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने इम्पैक्ट को भी धोखा दिया, उसके भी साथ फ्रॉडिंग किया। इम्पैक्ट वाला कभी एक वीडियो वायरल हुआ होगा, उसमें विकास राज ही पत्रकार उनसे बात कर रहा है, उसमें भी जो है कि बताया गया कि लोग कॉन्टेक्ट किए अपना अकाउंट नंबर दे दिए, जबकि इम्पैक्ट गुरु वाला ने फोन भी किया इनके पास कि आपने अकाउंट नंबर क्यों दिया, तो हमारे यहाँ से जो है हमसे अगर दूर जाइएगा तो हमारे यहाँ होता है आपको पूरा फंडिंग आएगा, लेकिन इन लोगों ने कहा कि सब कुछ हम लोग माइनस कर लेंगे, इन लोगों को तो करना है फ्रॉडिंग, कोई बीमारी नहीं है, ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल। आपको मतलब क्या लगता है कि बच्चा बीमार नहीं है? बच्चा देखिए, बच्चा बीमार है दूसरा बीमारी का, जैसे में टाइप 1 बीमारी इसके हमारे पास दवा के साथ 100% है इसको नहीं है, और ये लोग ठगी का उपाय भी हम बता देते हैं कहाँ से सीखा है, आयाम से नाम जो रखा नाम भी फर्जी है, नाम भी फर्जी आपको नाम में भी हम दावा करके बोल रहे हैं कि इनका नाम भी लड़का के नाम चुराया गया है, जो 5 साल पहले सच में ऐसे में टाइप 1 से पीड़ित बच्चा था, इस बच्चे भी से भी जो है कि बोला गया था फरहान और अमिताभ बच्चन बोले थे उसको इंजेक्शन लग भी गया, ये लोग जो है कि उसी को कॉपी करके ये लोग चीट फंड का काम शुरू कर दिया। कौन कौन इन्वॉल्व है आपके नज़र से, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका नहीं है, और जितना जो है ये लोग सोची सब जो साजिश एक टीम है इन लोगों का, जर्मन चलने वाला है एक है, स्वस्थक मनीष कश्यप है एक है, एक लाइट चैनल पर से है, और एक है हाँ एक है टाइम्स ऑफ अयोध्या वाला था रवि भट्ट, ऐसे ही 3-4 जो है 4-5 चैनल जिस पर हम सबको आवेदन भी दिए हैं, आवेदन में सब पत्रकारों का नाम भी दिए हैं, उन लोगों का भी नाम दिया है। हाँ हाँ सारे पत्रकार का भी नाम दिए हैं, खादी में जितना जो है कि शामिल है और भी अन्य उसका रिश्तेदार दोस्त इस खादी में शामिल है। एक बात बताइए हमको कि पत्रकार जो है कि जब विकास वहाँ से लौट के आया तो ये लोग जो है कि दिल्ली चले गए, जब दिल्ली जब जग गए हैं तो यहाँ से पत्रकार एक देखिएगा टाइम्स ऑफ अयोध्या है अयोध्या को पत्रकारिता छोड़ कर जो है कि दिल्ली चला गया, 7-17 जितने भी दलाल पत्रकार हैं सब उसके घर में ही बैठे रहते हैं, सारा का जो है शेयर है सारा मिल के देश के जनता के साथ ठगी कर रहा है, ये ठगी जो है कि बर्दाश्त योग्य नहीं है। आपको क्या लगता है कितना तक अभी तक कितना पैसा कलेक्ट हो गया होगा? क्या तक पैसा की बात है, हमको जो है कि उम्मीद है कि लोग जो है कि 50 करोड़ से ऊपर का जो है
कलेक्शन कर चुका है ये लोग। लेकिन मेरे पास कॉल आया, अयांश की मम्मी मुझे कॉल की, वो बोली, रोने लगी, बोली कि मेरे पास 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं है कलेक्शन। और कल का बयान आया है उनका कि जितने भी बड़े बड़े चेहरा हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, वो तो इवन बड़े बड़े स्टार लोगों को बोल रहे थे कि 4,000, और तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी को बोल रहे थे कि 4,000 रुपया दिए। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग जो है कि लिस्ट बनाकर पत्रकार और ये निहारिका रानी, ये लोग हर मुमकिन गुमराह करने का जो है कि साजिश कर रहा है। लोग दलाल पत्रकारों के साथ आकर के ये लोग जो है सारा बताना चाहता है कि हम लोग फंडिंग नहीं हुआ। ये लोग जो है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इसमें सारा जो है कि लोग स्क्रिप्ट तैयार करके जो है कि माइक पर बैठता है। फोन कितना दिया, इससे जनता को मैसेज जाए कि पैसा जो है कि ज़्यादा नहीं मिला, समझे? ये सारा काम जो है कि फ्रॉडिंग है, इसमें कहीं दूमत नहीं है। ये सारा उजागर भी करेंगे, सारा का पर्दाफाश करेंगे तुरंत। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आगे कौन से कदम उठाने वाले हैं? हम अपने प्रतिनिधि को जो है कि निर्देश दे चुके हैं, और खुद कल जो है कि हम उपस्थित रहेंगे हाईकोर्ट पटना। हाईकोर्ट में आप किस इस सारे के खिलाफ जो है जनहित याचिका PIL दाखिल होगा, तुरंत जो है कि मांग होगा, हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगा। इन लोग का सारा जो है कि काला चिट्ठा खोला जाएगा, सब सच जो है जनता के बीच आ जाएगा। तो फिर हमारा देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई इन लोगों से जो है कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक जनता का प्रतिनिधि होने के कारण हम जो है इस ठगी को देखना आगे देखिए। ये जो ठग गिरोह है, अगर सच में कोई आगे भविष्य में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो कोई जनता जो है कि चंदा देने से कतराएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सच वाला बीमारी वाला बच्चा जो है कि पैसे के बिना मर जाएंगे इन ठग गिरोह के वजह से। आप इनको ठग गिरोह कहते हैं? एकदम। उसमें कौन कौन लोग, मेन कौन कौन लोग शामिल हैं? उसका आलोक सिंह है, उसका माता है, उसका जो है कि निहत्या रानी का भाई सब है, आलोक सिंह का पूरा खानदान है, और जितना ये सब पत्रकार हैं, सत दत्त जनमंच, लाइव चैनल, टाइम्स ऑफ अयोध्या, और भी पब्लिक प्लेटफॉर्म एक है, ये सारे जो है कि दलाल मिली जुली साजिश है। इन लोग का सारा जो है कि ठगी का ठगी करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं इन लोग, और दूसरा कोई काम नहीं। कल आप हाईकोर्ट जाएंगे, बात किया, और ये कल हाईकोर्ट जाएंगे और उन पे याचिका दायर करेंगे, अयांश के मम्मी पापा, पापा भी करेंगे। हाँ हाँ, पूरा पापा और मनीष कश्यप, सभी लोगों के, जिन लोगों का इन्होंने नाम रखा है, सभी लोग पे ये कल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। पर्चे के लिए मैं बता दूं, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन करण के साथ। धन्यवाद।